अब एक सवाल यहाँ उठा था कि भाई ये तो राव साहब तो रिवाड़ी वाला से और हम हीर से, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था क्योंकि ये राव बालकृष्ण जी से ही जुड़ी हुई है। भाई धारा जो बुजुर्ग था ना वो मर्द थे, इसलिए जो अहिरवाल की जितनी भी सीमाएं हैं उनमें लड़ाक का आदमी बसाए जाते थे। एक किला बसाया शाहजहांपुर में, वहां पे जो है जो लड़ाक का जो है परिवार था वहां बसाया। ये आपके मिलकपुर हांसी में जो है यहाँ जो है परिवार वो बसाए जो लड़ सकते थे तलवार ठाए। यहाँ आपका ये जितना भी बॉर्डर है, चाहे आपके ये जो भिहानी के गाँव है, दादरी के गाँव है या इधर झज्जर की तरफ के गाँव है, सारे मजबूत जो परिवार होते थे लड़ाका नस्ल थी वहां ये बसाई जाती है। तो आप तो भाई सब बड़े राव साहब, आप हीर कैसे हो? ये है, आप अपने आप को भूल गए हो। और राव साहब ऐसे नहीं बने, मैं तो ही कई बच्चे मेरे से सवाल करते हैं भाई हमने राव साहब बोल सके से ना बोल सके से, तो वो किस्सा इन्हीं से जुड़ा हुआ है, राव बालकृष्ण से। फिर मैं तो कितको सू, मेरा बुजुर्ग तो बैरोड में रहा करता, फिर उजड़िया ओसरी आ गया, मैं गुड़गांव में रहूं, मेरे फिर हम शरणार्थी सा केस से बेरो ना बैठे, ठीक से ना। जब नादिर शाह देश के ऊपर चढ़ाया 1739 में, पर है कि डुगडुगी बंद रही है भाई, तो जो देश के सत्ता पे काबिज थे मुगलिया सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीला, उसने कहा भाई सारे आओ, अरे इस लुटेरे ने मार भगाओ। तो आपको ताज्जुब होगा ज्यादातर लोग नहीं आए देश रक्षा, लेकिन शेर का बच्चा शमशेर बहादुर राव बालकृष्ण, ये इसको उपाधि मिली थी। तो ये जो है शेर का बच्चा शमशेर राव बहादुर बालकृष्ण जी अपने 5000 हीर रणबांकुरों के लेके और करनाल के पास में कुंजपुरा के रणखेतों में जम गया। 2000 आदमी कृपा राम जाट भी ले आया था, मुगलिया फौज थी, ज्यादातर राजपूत सरदार नहीं थे। तो जब मुकाबला शुरू होने वाला था तो काफी लोग भाग लिए, वहां डटे ही नहीं, लेकिन राव बालकृष्ण जो है अपने 5000 वीर हीरों को लेकर वहां जच गया और ऐसा डटा और ऐसी तलवार चलाई कि जब तक सारे कट के नहीं गिर गए एक भी पीछे नहीं हटा। अब क्या हुआ, जो मुगलिया फौज का जो नायब था एक सिपह सलार मुख्य सिपह सलार, उसने कहा जी मैं क्या करता है तो सारा भाग गया। तो जब रंगीला जो बादशाह मिला नादिर शाह, तो उस नादिर शाह ने पहली चीज ये कही कि भाई अगर तेरी फौज उस मर्द की तरह लड़ती या उसका साथ देती तो मेरे को दिल्ली देखना नसीब नहीं होता। अब ये जब बात मुगल बादशाह को पक्का होगी कि भाई जब दुश्मन तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब भाई तगड़ा लड़ाका था, तो राव बालकृष्ण के भाई राव गुजरमल को बुला के कहा गया कि भाई राव साहब आज से आपका जो नगाड़ा है वो लाल किले तक बजेगा और किसी का नहीं, और आपको अब राव बहादुर बनाया जाता है राव साहब, और आपको हिसार की बावनी भी दी जाती है साथ में। तो हिसार की बावनी जो है मिलकी, तो राव साहब अपने लोगों के साथ आए तो उस बावनी पे पहले काबिज था एक बलोच, मुसलमान होता बलोच, तो उसने पैगाम भेजा राव गुजरमल ने कि भाई खाली कर, अब ये तो बावनी मेरे को लौट हो गई है। तो उसने पैगाम भेजा, बोला राव साहब बावनिया पैगामों से हासिल नहीं होती, तलवारों के जोर से होती। तो राव गुजरमल ने अपने सारे सरदारान से सलाह करी
तो बोला भाई ठीक है, तलवार उसी हासिल करेंगे। तो जब मोर्चा जमा तो एक रात पहले एक फकीर वहां मौजूद था, ऐसी गए सरदार तो बोले भाई फतेह आपको होगी, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मुसलमान था फकीर, कि इसको और इसके परिवार को बख्श देना बलोच को। तो राव साहब ने कहा वचन दिया भाई। अगले दिन जब दोनों तरफ आमने सामने फौजें जमा हुई तो ये सारे बलोच सरदार ऊपर से नीचे तक बख्तरबंद में लोहे में ढके हुए। तो राव गुजरमल ने कणीड़ा के बड़े सरदार थे उनको कहा कि भाई कैसे मारेंगे इनको, तो ऊपर से नीचे तक लोहे में ढके हुए हैं। तो बोले राव साहब और कुछ नहीं, सुसरा का कुल्ला तो खाली से, हम कुल्ले में नेचे मारेंगे इनके, नेचे मतलब पाले, आप नगाड़ा भजवा दो। और फिर जब ऐसी जबरदस्त लड़ाई हुई और फौज अहीर ने वहां थोड़ी देर में मोर्चा फतेह कर दिया और उसको नवाब को बंदी बना दिया, और जो फकीर के दिए हुए वचन को मानते हुए उस पूरे परिवार को यहाँ फर्रुखनगर में बसाया था। पांच गांव दिए राव साहब ने। और जो आसपास की रियाया थी, ये जो हंसी इशार की जाए मोर्चा जमा था, उन्होंने वहां अहीर नहीं थे उस टाइम में, तो वो सबने कहा भाई ये कौन सी कौम है जो सारे इन बलोचों को पीट गई, क्योंकि उस टाइम उन बलोचों से बड़े परेशान थे, वो बाण बेटी उठा लेते, जमीन पे कब्जा कर लेते थे, धर्म जबरदस्ती बदलवाते थे। बोला भाई ये राव साहब है रिवाड़ी वा हीरवाल के। तो उस दिन के बाद आम देहाती आदमी वो भी अहीर को राव साहब बोलने लग गया था। ये है सारी कहानी। और हमने फिर उन्हें केक के कट लियो, और जो अपना आपने घड़ो फन्ने कहा उन्हें मेरे कर लिया, ये मैं तथ्य और सत्य के हिसाब से बता दूंगा। अरे ये राव बालकिशन ने भी, राव मान सिंह जो आसिया की गोरावास के थे, जो राव तुलाराम के खास सलाहकार थे, उन्होंने भी अपनी अबीर कुल दीपिका में लिखी है। और मैं तो जित नहीं काम में जाऊं सू फिर के कहानी बनाऊ से, बोले ये तो अंग्रेज देख के गया था राव साहब। अरे राव साहब सब तो अंग्रेजों के पैदा होने से भी पहले का है, राव का मतलब राजा होता है। इमा की भी बोल जाऊं जोश में आके ही रूस जाए इसे, ठीक से ना। तो भाई ये राव साहब आपके बुजुर्गों ने जब अपना खून बहाया, जब जाके आप राव साहब खिलाए, हम तो पसीने भी ना भाओ और आके थोड़ी देर घाम में बैठ जाओ,